नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कृति प्रजापति। वर्ष 2014 ये वो साल था जब देश को 30 साल के लंबे इंतजार के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी। वर्ष 2014 में बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर यूपीए के कार्यकाल को समाप्त कर दिया था, क्योंकि इससे पहले वर्ष 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी पार्टी को 400 से भी ज्यादा सीटें मिली थी, और ये पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे वर्ष 2019 तक आते आते कांग्रेस पार्टी काफी कमजोर स्थिति में आ गई थी। जिस कांग्रेस पार्टी को 1984 में 400 से भी ज्यादा सीटें मिली थी, उसी कांग्रेस पार्टी को 2019 में मात्र 52 सीटें मिली थी, और कांग्रेस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने का पद भी खो दिया था। लेकिन इसके बाद वर्ष 2024 में कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार के मुकाबले जबरदस्त कमबैक किया है, और कांग्रेस पार्टी ने 2019 में 99 सीटें हासिल की है, और इस बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष स्वयं राहुल गांधी हैं। इस बार की बात करें तो इस बार के चुनावों के परिणाम से ये पता चलता है कि इस बार देश की जनता ने मजबूत सरकार नहीं बल्कि मजबूत विपक्ष का जनादेश दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को इस बार भारी नुकसान हुआ है, और जबरदस्त नुकसान हुआ है। बीजेपी को इस बार इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी अब बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे, एनडीए को 400 पार। पूरा देश कह रहा है अब की बार 250 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। बीजेपी को हिंदी हार्टलैंड यानी हिंदी पट्टी वाले राज्यों में भारी नुकसान हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य शामिल हैं। इसके साथ ही स्थिति ये हो गई कि बीजेपी के 19 बड़े मंत्री चुनाव हार गए, और बीजेपी ने बंगाल में भी इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। बंगाल में भी बीजेपी की पिछली बार से कम सीटें आई हैं, और बंगाल में भी बीजेपी ममता दीदी के किले को नहीं भेद पाई है। और स्थिति ये हो गई कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट तक हार गई। ये वो सीट है जिस सीट में अयोध्या क्षेत्र आता है, और अयोध्या में इसी साल राम मंदिर का जनवरी के महीने में उद्घाटन किया गया, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी अयोध्या से भी हाथ धो बैठी, और इसके साथ ही बीजेपी को सबसे बड़ा दर्द यही सीट हारने पर हुआ है। तो आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि वो कौन से कारण रहे जिसकी वजह से बीजेपी इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और 400 पार का नारा फेल हो गया। हालांकि यहाँ पर ये बात भी जरूर है कि बीजेपी बेशक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और बेशक बहुमत का आंकड़ा ना पार कर पाई हो, लेकिन आज भी बीजेपी देश की अकेली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। आज भी बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, जो कि विपक्ष के पूरे इंडिया गठबंधन से ज्यादा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैप को देखिए, इस मैप में आप देख सकते हैं कि वर्ष 2019 में बीजेपी की क्या स्थिति थी देश में, और 2024 में बीजेपी की क्या स्थिति है देश में। 2019 के मैप में आप देख पाएंगे कि जहां पर आपको सैफरन कलर बहुत ज्यादा नजर आ रहा होगा, तो वहीं 2024 के नक्शे में आप देखेंगे कि सैफरन कलर धीरे धीरे थोड़ा फेड होता हुआ नजर आ रहा है। चुनावों में बीजेपी की हार का पहला बड़ा कारण है गिविंग टिकट टू रॉन्ग कैंडिडेट्स, यानी कि गलत उम्मीदवारों को टिकट देना। इस बार बीजेपी ने 24% सिटिंग एमपीज के टिकट काट दिए, और साथ ही नए चेहरों और बड़े चेहरों को टिकट दिए थे, लेकिन ऐसे चेहरों को टिकट नहीं दिए थे जो कि ग्राउंड से जुड़े हो, जमीन की हकीकत को समझते हो और लोगों की समस्याओं से परिचित हो। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की बात करें तो इन्होंने ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दिए, ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा किया जो कि पिछले कई वर्षों से ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और लोगों की जमीन पर क्या समस्याएं हैं उनसे परिचित थे। उदाहरण के तौर पर आप खुद देख सकते हैं अमेठी की सीट से बड़ी केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी लड़ी थी, और वो 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हार गई, और उन्हें कांग्रेस के एक आम कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा ने बड़े मार्जिन से हरा दिया। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी की सीट की बात करें तो लखीमपुर खीरी की जो सीट है वहां से अजय मिश्रा टेनी खड़े हुए थे, और अजय मिश्रा टेनी के बेटे के ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचला था, और विपक्ष ने इस मुद्दे को उठा लिया और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता गया जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 35 से ज्यादा उम्मीदवारों के सुझाव दिए थे बीजेपी को कि उन्हें इन सीटों से कौन कौन से उम्मीदवारों को खड़ा करना चाहिए, लेकिन इसे बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने रिजेक्ट कर दिया। इसके साथ ही दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहा अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, यानी कि बेरोजगारी और महंगाई इस बार के चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जो कि विपक्ष ने पूरा चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा, और साथ ही युवाओं में उत्तर प्रदेश के जो
खासतौर पर युवा है, उनके अंदर बेरोजगारी को लेकर के काफी आक्रोश देखने को मिला और वो कैसे देखने को मिला आप इस वीडियो के थ्रू भी समझ सकते हैं। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया डिग्री लेते गया। जब आपने 18 साल के थे तैयारी शुरू की थी क्या सपने देखते थे आप? सपने देखते थे सर कि मैं एक दिन पदाधिकारी बनूंगा, मेरे माता पिता की भी सपना थी। सरकारी नौकरी बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि जो युवा बेरोजगारी की बात करते हैं कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही, वो इतने क्वालिफाइड होने के बाद सरकारी नौकरी के ही पीछे क्यों रहते हैं जबकि बहुत सारे काम है वो कर सकते। प्राइवेट में स्किल जो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू 10,000-12,000 की नौकरी मिल रही है सर, जो मजदूर से भी कम नौकरी वेतन जो मिलता है वो नौकरी लोग कर रहे हैं। 12 साल एक लंबा अरसा होता है, इस दौरान आपकी जिंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार लोग उतने बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूं मैं, अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूं सर। तब आगे आपको अपना भविष्य कैसा लगा? मेरा भविष्य यहाँ से अंधकार में लग रहा है सर, मुझे लगता है सुसाइड कर लेना चाहिए मुझे, क्योंकि सर मेरे रिश्तेदार परिवार नौकरी सारे छूट गया था, हम क्या कुछ लायक नहीं रहे सर, मुझे लगता है कि हम किसी लायक अब नहीं रहा। तो इनसे क्यों नहीं सवाल करते 2 करोड़ रोजगार की बोला था, किसानों की आय दुगनी करने के लिए बोला था, 2 करोड़ नौकरी की पूछोगे ना, 2 करोड़ राम मंदिर, 100 स्मार्ट सिटी बन गई, राम मंदिर है ना देश का, वो क्या क्या बोला था, और यार ये हो गया 3 तलाक, पाकिस्तान ये पाकिस्तान भूखा मर रहा है, ये गिना देते हैं जो देश में हुआ उसकी गिनाओ ना, ये नहीं गिनाएंगे कभी। तो क्या है देश में तो 80 करोड़ लोगों को जो है राशन मिल रहा है। हाँ तो जी 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है, 80 करोड़ लोगों को रोजगार ही दे दो। चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में रेलवे और शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बहुत सारी वैकेंसीज थी जो खाली पड़ी थी जिन्हें नहीं भरा गया, और चुनावों से जस्ट पहले उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया था और पीसीएस का पेपर भी लीक हुआ, जिसकी वजह से युवाओं में बीजेपी के प्रति काफी आक्रोश देखने को मिला था। इसके साथ ही महंगाई इन चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा रही, क्योंकि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो कि एक आम नागरिक को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगर जरा सा भी पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा होता है तो इससे एक आम नागरिक की जिंदगी पर बहुत असर पड़ता है, और विपक्ष ने इस मुद्दे को बहुत ही जोरों शोरों से उठाया था। देश में जब प्याज के दाम 100 रुपए प्रति केजी के ऊपर हो गए और इस सदन में हंगामा हुआ तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, तो डोंट वरी। ये मेरा विश्वास है सर कि माननीय वित्त मंत्री जी आटा चावल दाल दूध दही पनीर तो अवश्य खाती होंगी। इन सबके भाव बढ़ गए, जीएसटी लगा लगा के इन्होंने देश की थाली नॉमिक्स फूड इन्फ्लेशन को बिगाड़ दिया। आटा दाल चावल दूध दही सबके रेट आज स्काई रॉकेटिंग है सर, आसमान छू रहे हैं, और भारत की फूड इन्फ्लेशन 10% से लेकर 17% के बीच पूरे वित्तीय वर्ष में मंडरा रही है। ये हालात है सर भारत की थाली। तीसरा बड़ा कारण है साइलेंस ऑन इम्पोर्टेंट इवेंट्स, यानी कि बड़े मुद्दों पर सरकार का ना बोलना। इलेक्शन से जस्ट पहले लद्दाख में सोनम वांगचुक लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि लद्दाख को संविधान की 6th शेड्यूल में डाला जाए, जिसको सरकार ने अनदेखा कर दिया। सोनम वांगचुक लगातार 21 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे रहे, लेकिन तब भी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और वर्ष 2019 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये साफ लिखा था कि अगर दोबारा से उनकी सरकार आती है तो फिर वो लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डालेंगे, लेकिन सरकार ने सोनम वांगचुक की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। और दूसरा मणिपुर पर सरकार का ना बोलना, मणिपुर में जब हिंसा हुई तो बहुत लंबे समय तक सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर पर नहीं बोला, जिसकी वजह से विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया। विपक्ष ने लगातार प्रधानमंत्री को और सरकार को इस बात पर घेरने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री सब जगह चले जाते हैं, वो मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। कारण है बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस, और इस ओवर कॉन्फिडेंस में जो सबसे बड़ा नारा इन चुनावों में छाया रहा वो नारा यही था, अब की बार 400 पार। और ये लोग कहते हैं 400 पार क्यों, मैं बताता हूं 400 पार क्यों। देश की जनता ने तय किया है 400 पार, क्योंकि देश की जनता 2047 में हिंदुस्तान को विकसित देना चाहती है। लेकिन
साथ साथ एनडीए को 400 पार देकर के देश को लूटने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देने के लिए भी वो हमें 400 पार देना चाहते हैं। ये चुनाव एनडीए को जिताने का भी है, ये चुनाव देश में तबाही करने की आदत रखने वालों को सजा देने का है, और इसलिए हिसाब 400 के पार जाने वाला है। और ये 400 पार तो हो नहीं पाया, लेकिन विपक्ष ने इसी 400 पार के नारे को उठा लिया। और विपक्ष का कहना था कि बीजेपी को 400 पार सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि वह संविधान में कुछ बड़े बदलाव करना चाहती है। बीजेपी अब देश में तानाशाही चाहती है, बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, और इस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि अब लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा अगर बीजेपी दोबारा से आ गई, और संविधान खतरे में हो जाएगा। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से फैजाबाद सीट से जो बीजेपी के कैंडिडेट थे लल्लू सिंह ने ही ये बयान दिया था कि बीजेपी को 400 पार सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि उसे संविधान में कुछ बड़े बदलाव करने हैं। और नहीं, 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 बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। 272 संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, उसके लिए दो तिहाई बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। जैसे इन चुनावों में बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन तब बीजेपी को करना ये चाहिए था कि लल्लू सिंह का टिकट काट देना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने लल्लू सिंह का टिकट नहीं काटा और वो चुनाव हार भी गए। और साथ ही अयोध्या में एक बड़ा मुद्दा जो है वो कंपेंसेशन को भी बताया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर तो बनाया गया, लेकिन राम मंदिर बनाने के लिए वहां पर जो विकास हुआ, जो एयरपोर्ट बने, जो सड़कें बनी और जो भी विकास का काम किया गया, उस दौरान ये काम तो किया गया लेकिन बहुत सारे लोगों के घर, मकान और दुकान तोड़ दिए गए और उन्हें सही मुआवजा नहीं दिया गया, और जो मुआवजा दिया गया वो भी जस्टिफाइबल नहीं था। इस वजह से जो है वो बीजेपी की हार का ये एक बड़ा कारण सामने आया। राम लल्ला की मंदिर बनवाने में 2200 दुकानें, 800 घर और 30 मंदिरों को तोड़ा गया। खाने के लिए मुहताज होना पड़ा तो हम लोग कोर्ट क्यों दे कि बहुत से लोग बेघर हो जाए, उसी में घर था और आगे दुकान थी। बुलडोजर लगा के लाश को गिरा दिया गया, बिजली बंद कर दी गई, सवाल बारह काफी नुकसान किया गया। तो आपके घर भी तोड़ा जाएगा क्या? अरे सब ठीक हो रहा है, आप ही का घर था तोड़ दिए। इसके साथ ही पांचवा बड़ा कारण है कैंपेनिंग स्टाइल ऑफ बीजेपी एंड कांग्रेस, यानी कि आप देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस के चुनाव प्रचार के तरीके में इस बार एक बड़ा फर्क देखने को मिला। एक तरफ बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जहां बड़ी बड़ी रैलीज और रोड शोज करते हुए नजर आए, तो वहीं कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जो थे वो आम जनता से मिल रहे थे जाकर के, लोगों से, श्रमिकों से, किसानों से, मजदूरों से, वो समाज के हर व्यक्ति से और हर वर्ग से मिले और ग्राउंड पर जाकर के जमीनी हकीकत क्या है, उनके मुद्दे क्या है, उनकी क्या समस्याएं हैं, उसको जानने की कोशिश की। और जनता ने राहुल गांधी के इस चुनाव प्रचार के तरीके को बहुत पसंद किया क्योंकि जब वो मिलने जाते थे तो फिर वो वीडियोस बनाते थे और उन वीडियोस को फिर सोशल मीडिया पर काफी प्यार मिलता था। छठा कारण है इकोनॉमी एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपल। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच गई, और ये भी कहा गया कि अगर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आ जाती है तो देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही सरकार को देश में प्रति व्यक्ति आय पर भी ध्यान जरूर देना चाहिए क्योंकि देश का एक आम आदमी जो है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, और एक जो गरीब आदमी है, वो सबसे पहले ये देखता है कि उसके परिवार की कितनी आय बढ़ी है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था से पहले वो अपने परिवार की आय देखता है कि पहले उसको अपना घर चलाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और अब कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार को देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्रति व्यक्ति आय देश में जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय में कोई इजाफा नहीं देखने को मिला था। सातवां कारण है रिलाइंग कम्प्लीटली ऑन ब्रांड मोदी,
यानी कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो केवल और केवल मोदी जी की छवि पर ही निर्भर थे, क्योंकि मोदी जी ने नारा दिया अब की बार 400 पार मोदी है तो मुमकिन है। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है ग्राउंड लेवल पर, उन्हें लगा कि मोदी जी तो आ ही रहे हैं तो फिर उन्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, और इसकी वजह से बीजेपी को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि इतना काम जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि मोदी जी की छवि पर ही ज्यादा से ज्यादा ये चुनाव लड़ा गया। आठवां कारण है इग्नोरिंग आरएसएस, यानी बीजेपी ने आरएसएस को छोड़ दिया। चुनावों से जस्ट पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बयान दिया कि अब उन्हें आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आरएसएस जो है वो बीजेपी की बैकबोन रही है, और आरएसएस की वजह से ही वर्ष 1984 के चुनावों में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, और आरएसएस की वजह से ही वर्ष 2019 में बीजेपी को 300 से भी ज्यादा सीटें मिली। लेकिन जेपी नड्डा का ये बयान उन पर भारी पड़ गया, और बीजेपी को ये समझना चाहिए कि उसे आज भी आरएसएस की जरूरत है, क्योंकि आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के लिए घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन्स किया करते थे। नौवा कारण है अंडर एस्टिमेटिंग ओपोजिशन एंड राहुल गांधी। बीजेपी ने विपक्ष को मजबूत नहीं कमजोर साबित करने की लगातार कोशिश की, और ये कहा कि विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, वो अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा है तो फिर वो देश को क्या संभालेगा या देश की सरकार को क्या संभालेगा। और बीजेपी ने राहुल गांधी की छवि को भी धूमिल करने की बहुत कोशिश की। बीजेपी के आईटी सेल ने लगातार ये कोशिश की कि राहुल गांधी तो अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, और राहुल गांधी की इमेज को भी पप्पू साबित करने में भी बीजेपी के आईटी सेल ने बहुत काम किया, लेकिन इसका असर उल्टा ही पड़ गया चुनावों में, और चुनाव के परिणामों में वो देखने को मिला है। और विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन है इसको लगातार बीजेपी ने इंडी गठबंधन का नाम देने की कोशिश की, वो इतना भी सम्मान नहीं देते थे कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन ही कहा जाए, वो लगातार इंडिया गठबंधन को, और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी भी इंडिया गठबंधन को लगातार इंडी गठबंधन के नाम से संबोधित करते थे। मैं एक ही सवाल आपसे कर रहा हूँ कि मोदी के अलावा कोई नहीं बनेगा, अगर है आपके पास नजर में तो उसका नाम बताओ हमें कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल जी को नहीं देखते? राहुल जी भी राहुल जी क्या बनेंगे, वो अपने को नहीं संभाल पा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस का नाम डुबो देंगे। दसवां कारण है वॉशिंग मशीन। विपक्ष की तरफ से लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगाए गए कि बीजेपी जो दूसरी पार्टियों में जो नेता हैं उनके ऊपर लगातार ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़वाती है, उनकी रेड करवाती है, लेकिन जो नेता बाहर की पार्टियों से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके ऊपर फिर सारे केस जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, फिर उनके ऊपर कोई भी ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के जो है छापे नहीं पड़ते। और बीजेपी ने बाहर की पार्टी से आए 11 नेताओं को एनडीए का टिकट दिया जिनके ऊपर ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच चल रही थी, और उनमें से 7 नेता चुनाव हार भी गए। और अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहां तक नहीं कहा था? क्या कांग्रेस पार्टी का ये कानून है कि ऐसे लोगों को आप टिकट दें? तो इस क्षेत्र में और खुशी की बात है, अशोक जी भी हमारे साथ आ गए हैं। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन चला रही है, और देश के सबसे भ्रष्ट मंत्री सबसे भ्रष्ट नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। जो भी भ्रष्ट है वो सब बीजेपी में जा रहे हैं, उसका कारण है वो क्लियर है। सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी ईडी सीबीआई इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे, इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। बारहवां कारण है अग्निवीर योजना और 3 कृषि कानून। अग्निवीर योजना के वजह से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में काफी वोट जो है वो कम उन्होंने हासिल किए, क्योंकि अग्निवीर योजना की वजह से युवाओं में एक आक्रोश जो है वो जरूर देखने को मिला, और विपक्ष ने लगातार इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की कि अगर उनकी सरकार आएगी तो फिर वो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे, क्योंकि सरकार जो है वो ये कह रही है, ऐसा विपक्ष का लगातार कहना था कि जो आम सैनिक अगर शहीद होता है तो उसे शहीद की उपाधि दी जाती है, लेकिन अगर कोई अग्निवीर शहीद होता है तो फिर उसे शहीद की उपाधि नहीं दी जाती है। और इसके साथ ही 3 कृषि कानून जो है, 3 कृषि कानूनों से किसानों के परिवारों में काफी आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि एक साल तक उन्होंने लगातार सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन किया, और जिसकी वजह से बहुत सारे किसानों ने जो है अपने जान भी गंवाई थी, और फिर उन परिवारों में बहुत आक्रोश देखने को मिला बीजेपी की तरफ से, जिसका भी बीजेपी को इन चुनावों में नुकसान देखने को मिला।
बारहवां कारण है हीट वेव एंड लॉन्ग स्ट्रेच के इलेक्शंस। इस बार के चुनाव काफी लंबे चुनाव चले और 7 चरणों में ये चुनाव कराए गए। अप्रैल के महीने में ये चुनाव शुरू हुए थे और जून के महीने तक ये चुनाव चले और भीषण गर्मी के दौरान ये चुनाव कराए गए, जिसकी वजह से वोटर्स को भीषण गर्मी के दौरान लंबी लंबी लाइनों में लगकर वोट डालना पड़ा और इस बार वोटिंग परसेंट में भी गिरावट देखने को मिली। पिछले चुनावों के मुकाबले देखें तो इस बार का वोटिंग परसेंट कम नजर आया और ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी के जो वोटर्स हैं, बहुत सारे वोटर्स वोट डालने निकले ही नहीं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि बीजेपी इस बार दोबारा से सरकार बनाएगी और बीजेपी की ही सरकार आने वाली है, तो फिर वोट डालना क्या। तो बहुत सारे वोटर्स बड़ी संख्या में वोट डालने गए ही नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि बीजेपी इस बार के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाई, ये उसके कुछ कारण रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।